हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अगर दोस्तों आप भी छत्तीसगढ़ पीएससी में चपरासी भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए होंगे तो आपको कैसे जो है रिकवर करना होगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च एटिप पर आकर आपको CGPSC लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं CGPSC का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि दोस्तों CGPSC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। जैसे इस पेज में नीचे आते हैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू व्यू प्रिंट ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्यून। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से लॉगिन करने का पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें अपना जो है ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर्म भरते समय जो आप ईमेल आईडी यूज़ किए थे उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है डाल के और पासवर्ड डाल के आपको जो है लॉगिन करना होगा। दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जो आप ईमेल आईडी यूज़ किए थे उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर डाल देना होगा और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर आपको जो चेक मार्क करने होंगे। नीचे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है नया पासवर्ड बना लेना होगा और नीचे उस पासवर्ड को आपको कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर फिर से चेक मार्क करना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने दोबारा यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा जो ईमेल आईडी आप यूज़ किए थे उसको यहाँ पर डाल देंगे और जो आप नया पासवर्ड बनाए थे उसी नए पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों आई एम नॉट रोबोट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है चेक मार्क करना होगा और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के पेज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से CGPSC का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन होकर ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी सेक्शन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आपको जो है प्यून CGPSC लिखा हुआ देखने को मिल जाएगी। बगल में यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, साथ ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपको जो है अपना नेम देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है और इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं CGPSC प्यून का एडमिट कार्ड आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पूरा आपको जो है डिटेल देखने को मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आप इस पेज में जैसे नीचे आते हैं यहां पर आपको जो एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा यहाँ पर पूरा उसका एड्रेस दिया गया है। साथ ही नीचे टाइम टेबल देख सकते हैं, परीक्षा का जो नाम है वह भृत्य देख सकते हैं। साथ ही परीक्षा का दिनांक यहाँ पर 25/9/2022 यानी 25 सितंबर दिन रविवार को आपका एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो जो है दोपहर 12 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा, जो यहाँ पर 2 बजे तक चलने वाला है, यानी 2 घंटे में आपका जो है एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से जो है विषय से प्रश्न आएंगे यहाँ पर पूरा दिया गया है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसान तरीके से अपने मोबाइल से ही CGPSC प्यून का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।